उत्तर प्रदेश के सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर में बीती 21 तारीख को एक गन्ने के खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया था। शव मिलने के बाद पुलिस ने अपनी कार्यवाही प्रारंभ की तथा पुलिस ने टीम गठित की और मृतक के भाई कुंदन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और साक्ष इकट्ठे करना प्रारंभ कर दिया। दोनों अभियुक्त सुशील और सुजीत पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में अभियुक्त सुजीत पाल पर मृतक पक्ष की ओर से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिससे मुलजिम सुजीत पाल नाराज था। इस रंजिश चलते मृतक भगवान दीन को अभियुक्त गणों ने रास्ते में घेर कर बांस की फंटी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जानकारी दी है कि अभियुक्त गण की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि पुलिस विभाग के एएसपी के द्वारा प्रकरण का खुलासा करते हुए क्या जानकारी दी गई है। दिनांक 21 दिसंबर को इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेनीपुर और जगदीशपुर के मध्य गन्ने के खेत के किनारे एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान भगवान दीन के रूप में हुई। मृतक के भाई के द्वारा दो अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने तत्काल तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अभियुक्तों की निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी की गई है। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स।